साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज डीलर, 66 फव्वारा चौक उज्जैन। जय श्री महाकाल दोस्तों, न्यूज मालवा का बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खास खबरों की ओर। संकट काल में भी कुछ निजी अस्पताल अपने रवैये में बदलाव नहीं ला रहे। अड़ियल रवैये के कारण अक्सर चर्चाओं में रहने वाले ऐसे ही एक गुरु नानक अस्पताल में बुधवार को ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को भी नाराज कर दिया। इस अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज की बुधवार सुबह मौत हो गई थी। परिजन अस्पताल का बिल नहीं चुका सके, इसलिए दोपहर तक मरीज का शव परिजनों के सुपुर्द नहीं किया गया। इस घटनाक्रम की जानकारी जब एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और एएसपी अमरेंद्र सिंह को लगी तो वे भी नाराज हो गए। बुधवार को जैसे तैसे प्रबंधन से बात कर परिजनों को शव दिलवाया गया। गुरुवार दोपहर एडीएम और एएसपी गुरु नानक अस्पताल पहुंच गए। इन दोनों ही अधिकारियों ने गुरु नानक अस्पताल के प्रबंधक को खूब खरीखोटी सुनाई, उसे जमकर फटकार लगाई। हिदायत भी दी कि यदि आगे से ऐसी कोई शिकायत मिली तो फिर भैरवगढ़ भेज दिए जाएंगे। दोनों ही अधिकारियों ने यहां भर्ती मरीजों के परिजनों से बात की, रेमडेसिविर इंजेक्शन का हिसाब किताब भी जांचा। ठीक इसी तरह की जांच देशमुख अस्पताल में भी की गई थी। जब आते हैं आपका दायित्व तत्काल भेजिए। अभी अभी अब भी गया आपका आदमी, कल रात से उसको रात को 12 बजे बुलाया, सुबह 6 बजे से बुला रहे हैं उसको। अभी कितना बज रहा है? 11:15 बज रहा है। 5 घंटे में आपका आदमी वहाँ पर नहीं जगह स्टोर पे, गलत बात है। जो वर्तमान परिदृश्य उसमें क्या है, शिकायत लाजमी है और इसी के अनुक्रम में अस्पताल का मनोबल बढ़ा रहे, रोगियों का मनोबल बढ़ा रहे, सही चीजें रोगियों के सामने आए, आम जन के सामने आए, उसको लेके हम पॉजिटिविटी के साथ में अस्पतालों का भ्रमण कर रहे हैं। अस्पताल मैनेजमेंट को भी समझा रहे हैं, रोगी और जो मरीज है उनको भी समझा रहे हैं कि वो अपना संबल बनाए के रखे। किसी प्रकार की शिकायत हो रही है तो वो शिकायत को भी हम दूर कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति हम लोगों ने अभियान चला रखा है यहाँ पे कि दवाइयों के साथ में इलाज के साथ में लोगों का मानसिक संबल भी बना रहे, उसको भी हम बढ़ाने की ये कार्रवाई कर रहे हैं। जिले में कोरोना संक्रमण को थामने के लिए प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर भी काम शुरू किया है। अब तक केवल कोरोना संक्रमित मरीजों के घरों पर ही बैरिकेडिंग की जा रही थी, लेकिन अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिले में ऐसे 37 स्थान चिन्हित किए हैं जहां से कोरोना मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। इन जगहों को एपिसेंटर घोषित करते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। अगले 15 दिन के लिए इन कंटेनमेंट को बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहाँ लगातार नजर रखेंगी और एपिसेंटर बने घरों के आसपास के 50 घरों में भी रहवासियों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जाएगी। शहर में ऋषि नगर, सेठी नगर, बसंत विहार, विवेकानंद कॉलोनी, इंदिरा नगर, शास्त्री नगर, लक्ष्मी नगर, अलकापुरी और अग्रसेन नगर में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। आइए अब कोरोना संक्रमण की अब तक की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। बुधवार रात को पहली बार उज्जैन जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 3000 का आंकड़ा पार कर गई है। जिले में कोरोना के एक्टिव केस अब बढ़कर 3093 हो गए हैं। बुधवार रात फिर से 308 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, इनमें से 246 मरीज शहर के हैं। जिले में तराना, बड़नगर और महितपुर में ग्रामीण इलाकों में भी अब लगातार केस बढ़ने लगे हैं। 30 साल और 52 साल उम्र के 2 पुरुष मरीजों की मौत होने के साथ ही कुल मौत का आंकड़ा अब 148 पर पहुंच गया है। बुधवार को टेस्ट के मुकाबले पॉजिटिव मरीजों की दर 18.7% रही है। फ्रीगंज इलाके में आईडीबीआई बैंक के सामने के गारमेंट शॉप पर गुरुवार सुबह आगजनी की घटना हो गई है। शॉप में लगे इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आगजनी की यह घटना हुई है। सुबह बैंक के गार्ड ने गारमेंट शॉप से धुआं उठते देखा तो फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। आगजनी की सूचना के बाद गारमेंट शॉप संचालक दिलीप हीरानंदानी भी मौके पर पहुंच गए थे। आगजनी की घटना में उनका करीब 2.5 लाख रुपए कीमत का सामान जलकर नष्ट हो गया है। I'm
अभी आधा घंटा पहले और करीब अनुमान 2 से 2.5 लाख। कहाँ की दुकान है आपकी? कपड़े की दुकान पास में है, मिनी फैशन हनी इलेक्ट्रिक पे लगी, हनी एनएक्स में लगी। कैसे जानकारी लगी आपको कि आग लगी है? हमारे पास में गार्ड ने फोन लगाया, वो नरेंद्र मालवीय जी रहते हैं उन्होंने। क्या नाम है आपका? मुकेश शुक्ला। नीलगंगा क्षेत्र के अंबर कॉलोनी के एक मेडिकल स्टोर में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात चोरी की वारदात हो गई। चोर इस मेडिकल स्टोर से तकरीबन 70,000 रुपये नगद, एक मोबाइल फोन व अन्य कीमती सामान चुरा ले गया है। चोर इस मेडिकल स्टोर का ताला काटकर भीतर घुसा और करीब 12 मिनट तक स्टोर में मौजूद रहा। यहां लगे क्लोज सर्किट कैमरा में यह पूरी घटना कैद हो गई है। स्टोर संचालक मनीष मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से दुकान पर दिन भर होने वाली आवक की रकम वे घर पर नहीं ले जाते थे। संभवतः चोर को इसकी जानकारी थी। क्लोज सर्किट कैमरा के फुटेज के आधार पर अब पुलिस इस आरोपी की तलाश कर रही है। आज बड़ा मतलब मन विचलित हो गया, आपसे बोल रहा हूँ कि इस कोरोना काल के अंदर हम जिस प्रकार की सेवा कर रहे हैं मेडिकल संचालित करके, घर वाले सारे मना कर रहे हैं, वाइफ से लेकर पिताजी तक, कि नहीं बेटा अपना ध्यान रखो, और उस दौरान पॉइंट लगे होने के बावजूद मेरे दुकान पर चोरी हुई है। 50 से 60 हज़ार रुपये तो नकद गए, साथ में एक मोबाइल गया है, और चोर ने बड़े इत्मीनान से 11 से 12 मिनट तक चोरी करी, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे CCTV फुटेज के अंदर है। मन बड़ा व्यतीत है आज ये बोलते हुए कि दुकान पे इस समय में अगर चोरी हो रही है तो बड़ा बुरा लग रहा है। महाकाल पुलिस की टीम का एक सराहनीय पहलू सामने आया है। पटनगर रोड नाके पर तैनात महाकाल थाने की टीम को लावारिस हालत में एक मोबाइल फोन पड़ा मिला। पुलिसकर्मियों ने मोबाइल के जरिए उसके मालिक को तलाशा और उन्हें 12,000 रुपये कीमत का मोबाइल फोन वापस लौटा दिया। यह मोबाइल फोन महाकाल घाटी क्षेत्र में रहने वाली एक महिला का था। जूना सोमवारिया इलाके में एक शादी में शामिल होने पहुंची इस महिला का मोबाइल सड़क पर गिर गया था। हम लोग है ना जूना सोमवारिया में शादी में गए थे और वहाँ पे घूम गया था। करीब कितने रुपए कीमत का मोबाइल था आपका ये? 12,000 का। अब मिल गया आपको जी? कितने लौटाया सर ने? अच्छा, महाकाल थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मियों लौटाया? हाँ, महाकाल पुलिस। अब तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं? खुश हैं आप? उनके लिए अगर नहीं मिलता। कल हमने आपको बड़नगर के सरकारी अस्पताल के बारे में बताया था, जिसे SDM और जनप्रतिनिधियों की दृढ़ इच्छा शक्ति के जरिए कोरोना से लड़ाई के लायक बना दिया गया है। इसके ठीक विपरीत है हमारे ही जिले का उन्हेल का सरकारी अस्पताल। यहाँ न पहले डॉक्टर था न अब है। सांसद के आश्वासन के बाद भी उन्हेल क्षेत्र में मरीजों की फजीहत हो रही है। उन्हेल से भाजपा नेता पीयूष गुप्ता, नंदराम थाकड़, विहिप पदाधिकारी जगदीश थाकड़, अतुल उपाध्याय आदि नेता इस मामले में उज्जैन पहुंचकर कलेक्टर व अन्य जनप्रतिनिधियों से मिले। इस बार भी उन्हें उन्हेल के अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति कर दी जाने और उन्हेल अस्पताल को 10 बेड का कोविड सेंटर बनाने का आश्वासन मिला है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आश्वासन सांसद अनिल फिरोजिया का था, इस बार कलेक्टर आशीष सिंह ने आश्वासन दिया है। देश और प्रदेश में कोविड महामारी का प्रकोप चल रहा है। इसी कड़ी में उन्हेल में भी कोविड को लेकर काफ़ी समस्याएं, शिकायतें मिल रही थी, तो हमने एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में प्रभारी मंत्री मोहन जी यादव, जिलाध्यक्ष जी, सांसद जी और आदरणीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करा कि उन्हेल में भी जो है कोविड सेंटर संचालित हो और कोविड की जांच हो। तो कोविड की जांच होना प्रारंभ हो गई है और कोविड सेंटर के रूप में, क्वारंटाइन सेंटर के रूप में भी NRC का जो है अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। शीघ्र अति शीघ्र यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनेगा और ऑक्सीजन की भी व्यवस्था सांसद जी के माध्यम से होगी। तो ये थी आज दिन भर की खास गतिविधियाँ। यदि आपको हमारा बुलेटिन पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके सुझाव का भी हमें इंतजार रहेगा। कल फिर हाजिर होते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।